सो वी आर एट बोस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है और हम ट्रैवल कर रहे हैं अमेरिका टू इंडिया. सो स्टे ट्यून फॉर आवर ट्रैवल अपडेट्स. पहुंच गए हैं बोस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अभी हम हमारा यहाँ पे 7 hours का लेओवर है और यहाँ पे हम अभी चिल आउट करेंगे एंड देन हम अपनी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ेंगे फॉर दोहा. दोहा टू नागपुर हमारा ये नागपुर फाइनल डेस्टिनेशन है. तो हमने हमारी फ्लाइट टिकट पिट्सबर्ग टू नागपुर के लिए निकाली थी और हमारा चेक इन पिट्सबर्ग एयरपोर्ट पे ही हो गया था, इसलिए हमें बोस्टन एयरपोर्ट पे बैगेज कलेक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी. और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है नागपुर सिटी महाराष्ट्र स्टेट में. और हमने कतार एयरवेज बुक की थी फ्रॉम पिट्सबर्ग टू बोस्टन, बोस्टन टू दोहा एंड दोहा टू नागपुर. तो हमारा बोस्टन एंड दोहा में लेओवर्स था. Hey guys, welcome back to our channel. It's me Karishma. Welcome from Boston Airport. और अगर मैं और मैं मेरे पापा थे पर वो सिर्फ ड्रॉप ऑफ कर रहे थे पिट्सबर्ग एयरपोर्ट पे. एयरपोर्ट पे यहाँ और हमारा ले ओवर है, हम वेट कर रहे हैं और देखते हैं हम बोस्टन एयरपोर्ट घूम सकते हैं इतने टाइम में. सो लेट्स सी क्या क्या हमको देखने को मिलता है. हे गाइस, तो अब हम यहाँ बैठे हैं सी कॉन्कोर्स में और वेट कर रहे हैं. हमें 7 hours का लेओवर है बोस्टन एयरपोर्ट पे और अगर मैं देखो क्या कर रही है हमारा लंच हो गया है, हमने स्टारबक्स से खा लिया. यहाँ पे अभी हमारा टाइम पास चल रहा है, हम बैठे हैं, कुछ अच्छी सी जगह है बैठने के लिए. सो नाइस प्लेस. और अगर मैं और मैं ही ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा पिट्सबर्ग टू बोस्टन ट्रैवल हो चुका है. अभी बोस्टन से दोहा की फ्लाइट है और नेक्स्ट फ्लाइट हमारी 12 hours की है. तो मैं आपके साथ ये जर्नी शेयर करूँगी. तो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड. पिट्सबर्ग से हमारी जेट ब्लू की फ़्लाइट थी और वो फ़्लाइट बहुत ही स्मूथ थी हमारी गई और जेट ब्लू की फ़्लाइट थी वो. वेलकम टू द आवर लोकेशन पे जा रहे हैं. कौन से ई कॉन्कोर्स में. लेट्स गो. अमेरिका के सभी एयरपोर्ट्स के अंदर ये ऐसे वाटर फिलिंग स्टेशंस होते हैं, आप अपने एम्प्टी वाटर बॉटल्स लेकर आ सकते हो, वाटर एयरपोर्ट के अंदर ही फिलअप कर सकते हो. अब हम टर्मिनल सी से टर्मिनल ई की तरफ जा रहे हैं और जाते जाते हमें डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स एंड आपको जो भी ट्रैवल में रिक्वायरमेंट ट्रैवल एक्सेसरीज है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. और यहाँ पे सिटिंग चेयर्स भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप व्यू का भी मज़ा ले सकते हो. यहाँ के
रेस्ट रूम्स भी बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं। लेट्स गो। टर्मिनल ई पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुंचे डिनर करने, और हम डिनर कर रहे हैं मोनिकाज मर्काटो में। यहाँ से हमने पिज़्ज़ा लिया था और पिज़्ज़ा उतना खास नहीं था, ओके था, बट स्टिल नो ऑप्शंस, तो हमने पिज़्ज़ा ले लिया। हे गाइस, वी आर हैविंग पिज़्ज़ा मोनिकाज मर्काटोज़। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Okay, so now we're going to our airplane, into the airplane. Our terminal. This video from Boston to Doha, and then Doha to Nagpur. Yeah. After dinner, हम अपने सेम लोकेशन पे जाके बैठ गए हैं टर्मिनल ई पे, और इसी टर्मिनल पे हमारी कतर एयरवेज की एयरलाइन आने वाली है और थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉस्टन एयरपोर्ट पे हमारा 7 आवर्स का ले ओवर था, और ये ले ओवर हमने बहुत ही स्मूथली स्पेंड किया। और हम बोस्टन टू दोहा के लिए अभी बोर्ड करेंगे। अभी तो अपन दोहा जा रहे हैं। फाइनली हम इंडिया जा रहे हैं, और आफ्टर 2 इयर्स हम इंडिया जा रहे हैं और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये फाइनली हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर। And there is one blanket, and what? There is one pillow. Wait, I want to see the inside of the pillow. What is it? This is a keychain. Okay. It's a book. I got a puppet keychain. Good job. I love puppets.
यस कतार एयरवेज इज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड और हम कतार एयरवेज से ही ट्रैवल कर रहे हैं और कतार एयरवेज के वेबसाइट से ही हमने अपनी ट्रैवल टिकट्स बुक की। वन अडल्ट एंड वन किड हमें ट्रैवल टिकट प्राइस हमें पड़ी थी $3,490। इट्स टाइम टू टेक ऑफ नाउ। तो कतार एयरवेज में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे, हॉलीवुड बॉलीवुड और किड्स के लिए भी ऑप्शंस है और आपके बच्चे और आप दोनों भी एंजॉय करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं देख रही है मिनियन मूवी और मैं देख रही हूँ जुग जुग जियो और भी 3-4 मूवी हम दोनों ने मिलके कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पे अब है डिनर टाइम और डिनर में मैंने ऑर्डर किया था वेजिटेरियन जैन मील और वेजिटेरियन जैन मील में है स्पिनच करी, पुलाव, दाल, सैलड्स एंड सम फ्रूट एंड वन ब्रेड एंड साथ में ही वो प्रोवाइड करते हैं वन वाटर बॉटल और आपको जूस चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। और ये है अगम मै की प्लेट और अगर मैं के लिए प्रिफर किया था हिंदू जैन मील और हिंदू जैन मील में था चिकन बिरयानी, चॉकलेट मूस, ब्रेड एंड सम सैलेड। तो अब हमारे दोहा डेस्टिनेशन के लिए टाइम रिमेनिंग है 6 hours 26 minutes का। तो अब हम नैप ले लेते हैं, अगर मैं जैसे सोई है और मैं अभी सो जाती हूँ फिर मैं। तो यहाँ स्क्रीन पे अल्टीट्यूड और स्पीड एंड सिटी ऑफ डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन पे क्या टाइम हुआ है और आउटसाइड टेम्परेचर क्या है ये भी यहाँ पे दिखाया जाता है। और एयरक्राफ्ट के लाइट्स भी डे नाइट के हिसाब से चेंज होते रहती है जो कि अभी ऐसे हुई है। इट्स मॉर्निंग टाइम, अब हमारा ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है। और हमारा ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह का है। ऐसे ही अपनी अर्थ होती है, एक साइड डे लाइट होती है और एक साइड नाइट होती है। और अब हम हमारे दोहा डेस्टिनेशन के लिए कुछ ही मिनट बचे हुए हैं और अभी तो अभी लैंडिंग के लिए प्रिपरेशन चल रही है। और अगर मैं की एक्साइटमेंट तो देख लो कि जैसे जैसे इंडिया पास आ रहा है वो अपने आई से मिलने के लिए, आंटी से मिलने के लिए बहुत खुश हो रही है। तो हम पहुंच गए हैं दोहा कतार कंट्री में और दोहा में हमारा 2 hours 40 minutes का लेओवर है। तो दोहा पहुंचने के बाद हमें वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए यहां से बस पकड़नी पड़ती है और बस से हम दूसरे टर्मिनल पे जा रहे हैं। Hey guys, we reached Doha airport after 24 hours. Been hurry. So let's go to our gate. तो जैसे कि बताया मैंने, एयरक्राफ्ट से उतरने के बाद बस पकड़नी पड़ती है और बस से उतरने के बाद हमें दूसरे टर्मिनल जाना पड़ता है, उसके बाद हमें सिक्योरिटी चेक इन करना पड़ता है और सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम अभी जा रहे हैं, जैसे कि अभी अगर मैं जा रही है और अभी हम गेट पे सिक्योरिटी चेक इन हमारा हो गया है। अब हम तो एयरपोर्ट के अंदर ही ये ट्रेन होती है तो ये ट्रेन पकड़ के हम दूसरे टर्मिनल पे जा रहे हैं, अब हमारे गेट पे जा रहे हैं।
बस पकड़ के हम जा रहे हैं सी टर्मिनल पे दोहा से हमारी नागपुर की फ्लाइट पकड़ने के लिए, और हमें अभी सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम है हमारे पास. डोंट हैव टू मच टाइम. जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है, तो यस हम ऑन टाइम अपने गेट पे पहुंच चुके थे और हमारे फ्लाइट के लिए जस्ट बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी और हम ऑन टाइम अपने गेट पे पहुंच गए थे. कहाँ है हमारा गेट? और गेट भी नहीं पता. C41 पे तो पहुंच गए. लेट्स सी ये है क्या हमारी फ्लाइट. जैसे ही हमें गेट नंबर दिखाई दिया वैसे ही यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी. हमें तो लग रहा था कि हम अब दोहा टू नागपुर की फ़्लाइट अब हम मिस कर चुके हैं, बट स्टिल हमें ये मिल चुकी है और अब हम एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहे हैं. यहाँ पे भी ये आपको इस गेट नंबर से आपको नेक्स्ट फिर से बस में चढ़ना पड़ता है और वो फिर से वहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट तक ड्रॉप कर देते हैं. और अगर मैं ये नागपुर टू दोहा के फ़्लाइट के लिए बोर्ड कर चुके हैं और अब बस 4 आवर्स की ये जर्नी है और उसके बाद हम नागपुर पहुंच जाएंगे. इस फ्लाइट में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, बट हमें ये डिनर मिला था. मैंने सेम वेजिटेरियन जैन मील प्रिफर किया था और अगर मैं के लिए हिंदू मील. ये फ़्लाइट तो बहुत ही ठीक ठाक थी और हम पहुंच चुके हैं नागपुर. और ये रही अपनी इंडिगो की फ़्लाइट. आने के बाद पता ही चल जाता है अपन इंडिया पहुंच चुके हैं. आई होप आपने हमारी यूएसए टू इंडिया की जर्नी आपको पसंद आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा. सो वेलकम टू नागपुर. अब हम नागपुर पहुंच चुके हैं और इसके बाद हमारा इमिग्रेशन है और कस्टम, उसके बाद हम एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे. कौन सा वाला? अच्छा वो दोनों भी आ गए. कौन सा बाकी है? Experience good. USA to India travel, it was good. Oh my god, are you tired? Huh? Yeah, a little bit. Yeah,
that Nagpur airport. Hey guys, after 30 hours के बाद हम नागपुर पहुँच चुके हैं और ये सफ़र बहुत ही बढ़िया था और आपको आई होप आपको ये मेरा USA to India travel अच्छा लगा होगा। तो आपको इसके बाद इंडिया से बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे फूड व्लॉग्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। Thank you.